नमस्कार, मैं रंजना आप सभी को स्वागत कर रही हूँ रंजना चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का सबसे मनपसंद डिश आलू पेटीज। तो चलिए शुरू करते हैं आलू पेटीज बनाना। आलू पेटीज बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, मैंने 4 आलू बॉईल करके रखे हैं, 1 प्याज, अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो चलिए पेटीज का हम डो बना लेते हैं। तो मैंने लिए हैं 1 कप मैदा। आप कोई भी एक चीज को नाप बना के आप उसी में यूज करिएगा ताकि हमारा सब चीज परफेक्ट होगा। तो मैंने मेजरमेंट कप में 1 कप मैदा लिए हैं। नमक देंगे, 1/2 टीस्पून नमक देंगे हम। मैंने घी को मेल्ट करके रखे थे तो इसमें हम घी भी डाल देंगे। हमने 3 चम्मच अभी घी डाले हैं, मोयन बोला जाता है। अगर हमारा 3 चम्मच में मुट्ठी बंधा जा रहा है तो और हम घी नहीं डालेंगे। अगर मुट्ठी नहीं बंधाएगा तो हमको फिर और थोड़े से घी देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम 3 चम्मच डाले हैं। देखिए मेरा 3 चम्मच में मुट्ठी बंधा गया है, इस तरह से आप चेक करिएगा। देखिए मुट्ठी हमारा बंधा गया है, इसको इस तरह से हम कर देंगे तो मुट्ठी टूट भी जाएगा, तो हमको और घी देना नहीं पड़ेगा। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको डो बनाएंगे। तो अभी हमने 1/4 कप पानी लिए हैं, इसमें अब थोड़े थोड़े हम पानी डालेंगे। इसको अभी गूंथ लेंगे हम, ज़्यादा सख्त नहीं गूंथेंगे, ज़्यादा ढीला नहीं गूंथेंगे। देखिए 1/4 कप पानी लिए थे तो पूरा पानी खत्म हो गया है, थोड़े से पानी अभी और हम लेंगे। इस तरह से डो बना लेंगे हम। देखिए अच्छी तरह से डो बन चुका है। अब इसमें हम थोड़े से ऊपर में घी डाल के इसको अभी हम 15 मिनट ढक के रख देंगे, 15 मिनट रेस्ट हो जाएगा। ये देखिए इतना सॉफ्ट गूथना है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा गीला नहीं, इस तरह से हमको गूथना है। अभी ढक के 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। पेस्ट्री के अंदर स्टॉपिंग देने के लिए हमें स्टॉपिंग बनाना है, तो सबसे पहले हम आलू जो बॉईल किए हैं उसको छील लेते हैं। आलू छील लिए हमने, अब प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम बारीक बारीक प्याज को काटेंगे। ये देखिए मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। अब चलिए अब बनाते हैं स्टॉपिंग। स्टॉपिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई बैठा देते हैं, तेल गरम होगा उसके बाद फिर हम सारे मसाले को डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब डालेंगे हम जीरा, अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च, प्याज भी डाल देंगे, हमारा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और सारे चीज को हम फ्राई करेंगे। अभी हम डालेंगे हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप लाल मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। गरम मसाला भी हम डाल देंगे। ये देखिए सारे मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसमें अभी हम देंगे आलू। आलू को हाथ में इस तरह से हम मेस करके देंगे। आलू दे दिए। अब सारे मसाले में आलू को हम मिला देंगे। अब हम देंगे नमक। स्वाद अनुसार हम नमक देंगे। देखिए स्टफिंग बन चुका। देखिए स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गैस बंद करेंगे हम और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए स्टफिंग को एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में फिर हम पेस्ट्रीज फ्राई करेंगे। हमारे डो को 15 मिनट हो चुका है। इसे और थोड़े से हम हाथ में मसल देंगे। उसके बाद हम इसका पेटीज बनाना चालू करेंगे। इस तरह से हाथ में एक बार मसल देंगे तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। अब इसका हम छोटा छोटा लोई निकालेंगे। देखिए मेरे चार लोई बने हैं। अब इसे हम बेलेंगे। अभी हम 3 चम्मच मैदा लिए हैं। घी में इसको अभी घोल बनाएंगे। तीन चम्मच घी दिए हैं। एक चम्मच घी और लगेगा इसमें। ज्यादा गाढ़ा नहीं कि ज्यादा पतला नहीं इसका घोल बनाएंगे। अभी हम फेंटेंगे इसको, अच्छी तरह से फेंट देंगे। देखिए इसे इस तरह से फेंट के हमको इस तरह से स्मूथ बनाना है। देखिए इस तरह से। चलिए कढ़ाई में तेल भी हम चढ़ा देते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं। तेल गर्म होते तक हम इसको बेल लेते हैं। सूखा मैदा लगा के हम बेलेंगे। तो मोटा नहीं बेलना है, पतला बेलना है हमको। जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। बड़ा सा रोटी इस तरह से पतला बेल लेंगे हम। देखिए इतना पतला बेलना है। इस तरह से हम सारे रोटी को बेल लेते हैं। देखिए सारे रोटी मैंने बेल चुके। अब इसमें हम लगाएंगे जो हम पेस्ट बनाए हैं मैदे और घी का, उसे हम लगा के एक दूसरे में चिपकाएंगे रोटी को। तो इस तरह से दे के हम हाथ में चारों तरफ से फैला देंगे। देखिए चारों तरफ से मैंने फैला दिए। अब इसमें सूखा मैदा थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे इसके ऊपर और एक रोटी डाल देंगे। इसी प्रोसेस में हम सारे रोटी को इस तरह से
चिपकाएंगे। अब ये पेस्ट जो लगा रहे हैं इसको अच्छी तरह से लगाइएगा, कंजूसी मत करिएगा। फिर मैदा डस्टिंग करके फिर हम तीसरी रोटी को, अगर रोटी आपका छोटा पड़ रहा है मैदा का है, इसको आप खींच के इस तरह से बराबर कर सकते हैं। देखिए अब अभी हम देंगे चौथी वाली रोटी। चौथी वाली रोटी के ऊपर अभी ये पेस्ट को हम नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी इसको अभी हम इस तरह से बेल देंगे। तो चारों रोटी हमारा सेट हो जाएगा, परत भी अच्छी तरह से निकलेगा। ये इस तरह से हम बेल देंगे इस तरह से। इसके बाद अभी हम लगाएंगे इसमें पेस्ट। इसके बाद अभी हम इसको इस तरह से एकदम टाइट करके इसको रोल बनाएंगे। इसमें एयर नहीं घुसना चाहिए, एकदम टाइट करके। इसमें थोड़े से हम पानी दे देंगे ताकि हमारा ये चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको अभी से लंबा करके हम इसको काटेंगे। उंगली से हम नाप करके इस तरह से काट लेंगे। ये हमने सारे लोइयों को काट लिए हैं। अब इसे हम हाथों के मदद से इसे इस तरह से थोड़े से टेढ़ा करके इस तरह से हमको दबाना है और इसको अभी बेलना है। तो सारे हम इस तरह से दबा लेते हैं। देखिए हमने सारे दबा लिए, हमें इसे अभी बेलना है। सूखा मैदा लगा के इस तरह से बेलेंगे, पतला बेलेंगे हम। इसको चौकन शेप में हम काट लेंगे। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। से अभी हम पानी दे देंगे चारों तरफ। इसे चिपका देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम दबा दबा के चिपकाएंगे, नहीं तो ये हमारा जब तलेंगे तो खुल जाएगा। देखिए सारे इस तरह से बना लेंगे हम। देखिए मैंने दूसरी वाली बेल ली है, इसको भी हम इस तरह से स्क्वायर में काट लेंगे।
हम भरेंगे टॉपिंग। पानी का लेयर दे देंगे। पानी का लेयर देना जरूरी है क्योंकि ये चिपकेगा। ये देखिए सारे पेस्ट्री मैंने बना लिए हैं, अब इसे अभी हम फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है हमारा, बबल्स आने लग गया ना। अब एकदम धीमी आंच में करेंगे हम इसे। अभी हम एकदम सावधानी से इसको पलटाएंगे, नहीं तो ये हमारा टूट सकता है। धीरे धीरे पलटाएंगे, बार बार इसको पलटाना नहीं है। देखिए हमारा पेस्ट्री जो है तल चुका है। अब इसको अभी हम तेल से निकालेंगे, इसको किनारे से ऐसे लाएंगे तो एक्स्ट्रा तेल सब कढ़ाई में आ जाएगा। देखिए ये देखिए सारे पेस्ट्री मेरे हो गए, एक बचा है इसको भी अभी हम तल लेंगे, इसको भी अभी निकाल लेते हैं। देखिए सारे पेस्ट्री बन के रेडी हो चुके हैं, अब इसे भी हम निकाल देंगे। अब गैस को करेंगे बंद। ये सारे पेस्ट्री बन के रेडी हो चुके हैं, आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो नया नया रेसिपी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।